लेके मैं 10,000 किलोमीटर की मैंने अपनी यात्रा शुरू की है। कहते कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मन में है विश्वास यही कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे तुम मेरी हद रोशन करने से, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। कि चल छैया छैया पे नाचे से कुछ नहीं होगा, किसी और के प्लेटफॉर्म पर नाच कर अपनी पूरी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। 7 साल से मैं एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए वर्किंग हूँ, मेरी 90,000 सैलरी थी, मेरा 11 लाख का एलपीए था, उसको रिजाइन करने के बाद मैं सोसाइटी को फोन की कि कुछ चिल्लर थे गिरे खनके उनकी आवाज़ कुछ दूर तक गई, कि कुछ चिल्लर थे जो गिरे खनके उनकी आवाज़ कुछ दूर तक गई, वो बेशकीमती जो नोट हुआ करती थी बिहार के किसी कोने में हमेशा हमेशा के लिए सिमट के रह गई। नमस्कार, जय हिंद, आप देख रहे हैं लाइव बिहार 24 और अभी हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं और अभी हमारे साथ ये जो शख्स देख रहे हैं आप, ये पिछले कुछ दिनों से एक यात्रा कर रहे हैं और ये ठाने हैं कि 10,000 किलोमीटर तक ये पोस्टर लेके और हाथ में झंडा लेके, भारत का तिरंगा लेके ये घूम रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष पांडे है सर। मैंने कहाँ घर है आपका? मैं रहने वाला हूँ सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का। 4 दिसंबर 2022 को मैंने अपनी यात्रा शुरू करी अयोध्या से और उसको लेके मैं 10,000 किलोमीटर की मैंने अपनी यात्रा शुरू की है। कहते कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मन में है विश्वास यही कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे तुम मेरी हद रोशन करने से, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। उसी चीज़ को लेके जिस तरीके से आज हम समाज को बांटते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं, आज उसकी उम्मीदों को ख़त्म करते जा रहे हैं, कास्टिज्म पे बांटते चले जा रहे हैं, आज हम जिस मेन चीज़ की बात करनी चाहिए एजुकेशन के ऊपर और जिस तरीके से क्लाइमेट के ऊपर, आज उसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उसकी एक दीपक जलाने का मैंने काम किया है। विश्वास लेके मैं चल रहा हूँ, आज आपके शहर पटना पहुँचा हूँ। 1600 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद अयोध्या से चला मथुरा, मथुरा से फिर मैं कानपुर होते हुए प्रयागराज आया, प्रयागराज से काशी और काशी से होते हुए गाजीपुर होते हुए बक्सर और आरा होते हुए आज मैं पटना पहुँचा हूँ। 1600 किलोमीटर की मेरी यात्रा हो चुकी है, 21 राज्यों की मेरी यात्रा है जिसमें यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश होते हुए उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश आऊँगा 2024 में। इसको लेके मैं 10,000 वृक्षारोपण कर रहा हूँ और 10 लाख वृक्षों को लगवाने का लोगों को संकल्प दिलवा रहा हूँ। अच्छा, ये 1600 किलोमीटर यात्रा आपने जो पूरा किया, कितने दिनों में पूरा किया? ये 2.5 महीने पूरा हो गया। ढाई महीने के दौरान आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? विशेष यही है कि मतलब आप जब चलते रहते हैं तो 5% लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, बाकी 95% लोगों में जो उम्मीदें हैं कहीं ना कहीं वहाँ कमी दिखाई देती है। मुझे लगता है कि समाज में आज भी अवेयरनेस की कमी है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप समाज को किस नज़र से देखते हैं, तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि समाज को अभी कहीं ना कहीं हमारे शिक्षित होने की जरूरत है, क्योंकि जो आज हम शिक्षा ले रहे हैं वो सिर्फ नौकरी पाने के लिए शिक्षा ले रहे हैं। हमारा एंड गोल पूरा हो जाता है, हम पढ़ना बंद कर देते हैं, हमारा एंड गोल पूरा हो जाता है लेकिन मानसिक रूप से आज हम कहीं ना कहीं शिक्षित नहीं हो पाते। तो उस समाज को कहीं ना कहीं शिक्षित होने की जरूरत है। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जिस चीज़ की कमी मैंने अनुभव करी है उसमें आज भी कहीं ना कहीं यूपी और बिहार के अंदर एक चीज़ मैंने देखी कि कहीं ना कहीं उनको बहुत बेसिक जो शिक्षा मिलनी चाहिए, जो कल्चर वाइज शिक्षा मिलनी चाहिए, वहाँ कहीं ना कहीं कमी लगती है और अवेयरनेस की कमी लगती है, जो क्रिटिसाइज करते रहते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, आप जब रोडों पर चलते हैं लोगों का कितना सपोर्ट मिलता है, लोगों के प्रति, आपके प्रति लोगों का कितना प्यार रहता बहुत है? ज़्यादा। बिहार जब मैं आया तो बिहार के लिए मैंने कुछ लाने लिखी, क्योंकि जब तक मैं बिहार नहीं पहुंचा था तो बिहार को लेकर मेरा कुछ परसेप्शन अलग था। लोग मुझे बहुत ज़्यादा, जब मैं बिहार नहीं पहुंचा था उसके पहले बहुत सारी इमेजेस बनाए हुए थे क्योंकि आपके दिमाग में एक निगेटिव इमेज क्रिएट कर दिए थे, लेकिन जब मैं बिहार पहुंचा तो बिहार पहुंचने के बाद मेरे परसेप्शन बदल गए। इसलिए मैंने चंद लाइनें लिखी कि कुछ चिल्लर थे गिरे खनके उनकी आवाज़ कुछ दूर तक गई, कि कुछ चिल्लर थे जो गिरे खनके उनकी आवाज़ कुछ दूर तक गई, वो बेशकीमती जो नोट हुआ करती थी बिहार के किसी कोने में हमेशा हमेशा के लिए सिमट के रह गई। आज मैं बिहार आया हूँ, बिहार देखने आया हूँ, बिहार लिखने आया हूँ, बिहार के लोग बहुत खूबसूरत हैं, बिहार बहुत खूबसूरत है, इसको बदनाम मत करो। तो मुझे लगता है कि वो जो खूबसूरती मैंने बिहार की देखी, बिहार के लोगों को देखी, बिहार के प्रति जो एक दूसरे का प्यार मैंने देखा, वो जो 95% लोग, 95% लोग जो कहीं ना कहीं बस रहे हैं, गाँव के अंदर बस रहे हैं, उनके अंदर देखने के लिए मिला और उसको लेके कहीं ना कहीं मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ऐसे चीज़ों को मैंने करीब से देखा। आज जो मेरे दिमाग में निगेटिविटी की इमेज बनी हुई थी कहीं ना कहीं वहाँ से वो पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा पाई और मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ द सीक्रेट ऑफ 10,000 किलोमीटर, उसमें स्पेशल बिहार को मैं मेंशन कर रहा हूँ और उसमें लिख रहा हूँ कि आप बिहार को प्लीज़ बदनाम मत करिए। ये आज भी भारत की इकोनॉमी में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। अगर बात करें आप महानगर, चाहे मुंबई की बात करें, चाहे आप राजधानी की बात करें, दिल्ली की बात करें, जहाँ पर भी आप देखेंगे यही लोग जा रहे हैं, वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिजिकली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, इनके पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, अगर बिहार के अंदर अच्छे रिसोर्सेज होते, बिहार के अंदर अच्छी चीज़ें होती तो शायद इनको छोड़ के जाना ना पड़ता, बिहार की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाते। लेकिन आज जो वहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं उसमें बहुत बड़ा रोल कहीं ना कहीं आज बिहार का है और ये किसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए।
अच्छा आपका मकसद क्या है, कब तक आप चलेंगे? 2 साल तक लगभग मैं चलूंगा, और यही है कि जब तक मकसद तो यही है कि जब तक पर्यावरण को लेके मैं 1% का रेवोल्यूशन ना लाके खड़ा कर दूं। मैं 1% का रेवोल्यूशन इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, 1% का जब तक रेवोल्यूशन लाके खड़ा नहीं कर दूंगा तब तक मैं शांत से नहीं बैठूंगा। मुझे 10,000 किलोमीटर नहीं, 10,000 फिर चलना पड़ेगा तो मैं चलूंगा। कोशिश यही है कि 10,000 किलोमीटर चल के वो जो 1,000 चेहरे हैं उन 1,000 चेहरों को मैं तैयार करूं जो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करें। वो उनसे ये पूछा जाए कि आप इसके बाद क्या करेंगे, तो फिर एक ही सवाल दें कि फिर मैं पर्यावरण के लिए काम करूंगा। फिर पूछा जाए इसके बाद क्या करेंगे, तो फिर बोलेंगे मैं समाज के लिए काम करूंगा, क्योंकि समाज मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा भारत सबसे ऊपर है, मेरा भारत, भारत के लोग और भारत की संस्कृति को बचाने के लिए अगर मुझे खुद को संकल्पित करना पड़ेगा, मुझे समर्पित करना पड़ेगा या मुझे कहीं ना कहीं खुद को जला देना पड़ेगा, तो मैं भारत के लिए तैयार हूँ और भारत के लिए मैं काम करूँगा। वो 1,000 चेहरे को लेके मैं काम करना चाहता हूँ, उसको लेके मैं जब तक उनको तैयार नहीं कर देता तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अच्छा आप पढ़े लिखे कहाँ तक हैं? मैंने पिछले मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी पीसीएम से 2017 में, उसके बाद से मैंने वीवीए कंप्लीट किया था। पिछले 7 साल से मैं एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए वर्किंग हूँ। मेरी 90,000 सैलरी थी, मेरा 11 लाख का एलपीए था, उसको रिजाइन करने के बाद मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि पैसा मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि भारत में पैसे को एक बहुत बड़ी वैल्यू देती है। सभी लोग चाहते हैं कि हम पैसा कमाएं, बहुत बड़ी वैल्यू दे दी गई और उनको लगता है कि पैसा कमाना बहुत कठिन है। मैं कहता हूँ बहुत आसान है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ सर, आप जवाब दीजिएगा, विराट कोहली एक प्लेयर है या स्किल्ड प्लेयर है? स्किल प्लेयर है। जब वो पहली बार बैटिंग करना शुरू किया तो प्लेयर तो उसी दिन हो गया, लेकिन जैसे वो स्किल्ड प्लेयर हुआ उसके पीछे पूरी दुनिया का फोकस आ गया। प्रधानमंत्री जी पॉलिटिशियन है, स्किल्ड पॉलिटिशियन है, स्किल के अंदर वो टैलेंट था सभी दुनिया। आज आप जितने भी सक्सेसफुल पर्सन उठा के देखेंगे उनके पीछे बस एक चीज ऐड हो गई जिसको बोलते हैं स्किल्ड। अगर जैसे आप स्किल आपके पीछे ऐड होती है पूरी दुनिया आप पे फोकस करना शुरू कर देती है, और स्किल ऐड होती है आपके पास पैसा फेम सब कुछ आना लगता है। आज हम क्या कर रहे हैं, अपनी एक चीज अपने अंदर ऐड नहीं कर रहे हैं, वो है स्किल। इसीलिए मैं स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन की डिमांड कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में आज हमारे पास 55% का यूथ पोटेंशियल है, उसके बावजूद भी नॉन एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लेके बैठे हैं। कारण क्या है, हमारे पास में स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन नहीं है। अगर आपके अंदर स्किल आ जाए तो आपके अंदर फियर खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। अगर आपको शेयर मार्केट की वैल्यू पता चल जाए, अगर आपको ट्रेडिंग आ जाए, आपको इंट्राडे आ जाए, तो मुझे पता है कि मैं आपको 2,000 रुपए दूंगा और शाम को आप 2,500-3,000 बना देंगे, क्योंकि आपको शेयर मार्केट की वैल्यू पता है, आपके पास एक स्किल ऐड हो गई। अगर आपको पता है कि आपका एसईओ, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर आपको एसईओ के बारे में बता दिया जाए तो आप कहीं ना कहीं फ्रीलांसिंग करके हजारों कमा सकते हैं। अगर आपको कोडिंग के बारे में बता दिया जाए तो एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट के बारे में बता दिया जाए, वेबसाइट को मोनेटाइज करके उससे आप एडसेंस से पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जो रेवेन्यू आज लाने के काम कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उससे हमेशा दूर किया गया। 2 ही पैरामीटर की एजुकेशन भारत के अंदर है, एक तो ये कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जाके नौकरी मांगेंगे प्राइवेट की, और अगर नहीं मिली उसके पहले आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, मिल गई तो गवर्नमेंट नौकरी करेंगे। 2 ही पैरामीटर सेट किया गया है, उसको लेके कहीं ना कहीं आज समाज में इसको बदलने की, समझने की और पेरेंट्स की, स्कूल की, स्कूल के टीचर्स की, हम सब की जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं आज हमें समझना चाहिए, समाज को बदलना चाहिए, समाज की माइंडसेट को बदलना चाहिए, तभी हम कहीं ना कहीं विकास कर पाएंगे। अच्छा पूरा दिन का आपका शेड्यूल क्या रहता है? पूरा सुबह 6:30 बजे मैं 5:30 के आसपास उठता हूँ, थोड़ी देर मेडिटेशंस करता हूँ क्योंकि मैं सेल्फ अपने आप को देखता हूँ। उसके साथ 6:30-7 o'clock मैं अपनी यात्रा शुरू कर देता हूँ। शाम को 6 बजे के आसपास मैं रुकता हूँ, उसके बीच जो भी कार्यक्रम होते हैं जैसे वृक्षारोपण करना, स्कूल के अंदर सेमिनार्स करना, वहाँ पहुँचना, और किसी जिले में पहुँचे हो तो वहाँ के माननीय जिला अधिकारी से मिलना या फिर वहाँ के जो भी सम्मानित लोग हैं उनसे मिलना, और बच्चों को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करना, क्योंकि मुझे लगता है कि जो नीचे वाली लेयर आ रही है 9, 10, 11, 12, उनके पास पोटेंशियल बहुत है, एनर्जी बहुत है, बट अवेयरनेस की कमी है। अगर उनको अवेयर कर दिया गया शायद उस सोसाइटी को जितना परसेंट वो कंट्रीब्यूट करेंगे उतना कोई नहीं करेगा। अगर इस बच्चे को बताया जाए सबसे पहले अगर आपको बचाना है तो प्रकृति को बचाना है, अकॉर्डिंग टू WHO $470 मिलियन के आसपास की इकोनॉमी लॉस कर जाएंगे 2050 तक। पानी की तरह ऑक्सीजन को पैक करके बेचा जाएगा, 100% पॉसिबिलिटी है। आज जिस तरीके से हम प्लांट को लगाते चले, इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने पूछी कि इंस्पायर कहाँ से हुए, मुझसे हर कोई ये पूछता है कि इंस्पायर कहाँ से हुए। आपको आज इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है, अगर आप थोड़े से भी अवेयर हैं तो यहाँ पे अवेयरनेस की बात है कि क्लाइमेट खत्म हो रहा है, ये आने वाले टाइम पे आज आपको इन चीजों से जूझना पड़ेगा। यहाँ पे पानी का अभाव नहीं होगा क्योंकि माँ गंगा यहाँ पर, लेकिन आप केरला पहुंचिए, आप दिल्ली पहुंचिए, आप मुंबई पहुंचिए, आप तेलंगाना पहुंचिए, आप महाराष्ट्र पहुंचिए, आप वहां पूछिए पानी की स्थिति क्या है। एक बाल्टी के अंदर नहा भी रहे, खा भी रहे, बचा भी रहे, किस तरीके की स्थिति है, तो उनसे पूछिए कि वैल्यू क्या है, उनसे पूछिए कि क्या आपको इंस्पायर होने की जरूरत है। कहेंगे नहीं, आज सबसे पहले अवेयर होने की जरूरत है। तो यहाँ पे इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें समाज को लेकर अवेयर होने की जरूरत है, और अवेयर तभी हो पाएंगे जब आप सही शिक्षा कहीं ना कहीं ग्रहण करेंगे। अच्छा युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो युवा कहीं ना कहीं अभी देख रहे हैं आपको? बस मैं यही बोलूंगा कि
चल छैया छैया पे नाचने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज हमारे पास इतना बड़ा यूथ पोटेंशियल है, किसी भी देश को झुका देने का सामर्थ्य हमारे अंदर है, और हम केवल किसी और के प्लेटफॉर्म पर नाच कर अपनी पूरी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, जो युवा भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन लाके रख सकता है, रेवोल्यूशन लाके खड़ा कर सकता है, वो आज कहीं ना कहीं अपनी पूरी एनर्जी केवल 2-3 कंटेंट के ऊपर, चल छैया छैया के ऊपर नाच रहा है, किसी को किसी कास्टिज्म के ऊपर लड़ाई कर लड़ रहा है, तू बड़ा कि मैं बड़ा, आज उनको इससे ऊपर निकलना पड़ेगा, समाज के ऊपर काम करना पड़ेगा, और इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए नए नए इन्वेंशन करने पड़ेंगे, स्टार्टअप की तरफ चलना पड़ेगा, इंडिपेंडेंसी की तरफ चलना पड़ेगा, और 2-3 चीज जो समाज की जिम्मेदारियां जो हमारे आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं, आप इसी तरह से आप इसी ऊर्जा से आप आगे बढ़ते रहें, और थैंक यू सो मच, जरूर आपसे लोग जागरूक, थैंक यू सो मच।